सोशल मीडिया की दुनिया जब है, यहाँ देखते ही देखते कुछ भी वायरल हो जाता है। कई बार वायरल होने वाली चीजों बयानों में सच्चाई भी नहीं होती, और ऐसी चीजें बयान सच में कहीं ज्यादा वायरल होते हैं। ऐसा ही एक बयान हाल में खूब वायरल हुआ था। इस बयान के जरिए चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के पूर्व प्लेयर अंबाती रायडू और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच एक बहस का दावा किया गया था। ये बयान जुड़ा था चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए मैच से। इस मैच में मार्कस स्टोइनिस ने एक कमाल की सेंचुरी जड़ी और इस सेंचुरी के दम पर लखनऊ ने चेन्नई को चिपॉक में हरा दिया। और मैच के बाद मीडिया में रायडू का एक बयान खूब चला। इसके मुताबिक बीते बरस रिटायर हुए रायडू ने कमेंट्री के वक्त गायकवाड़ की कप्तानी की आलोचना की। वो बोले, ऋतुराज ने डेथ ओवर्स में खराब फील्डिंग लगाई, हमें कप्तान के रूप में यहाँ अनुभव की कमी साफ दिखी। रिपोर्ट्स में ये भी लिखा था कि उस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू रायडू के साथ कमेंट्री कर रहे थे और उन्होंने तुरंत ही रायडू को लताड़ लगाते हुए कहा कि कैसे कामयाबी का क्रेडिट धोनी को दिया जाता है जबकि हार के वक्त लोग उनको भूल जाते हैं। सिद्धू कहते हैं, अगर आप CSK की जीत का क्रेडिट धोनी को देते हैं तो हार का ठीकरा भी उन पर ही फोड़िए। धोनी आज भी मेन थिंक टैंक है। ये खबर खूब वायरल हुई, लोगों ने रायडू को खूब सुनाया। अब रायडू ने ऐसे लोगों को लताड़ा है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा, मैं उस दिन कमेंट्री भी नहीं कर रहा था, मैं अपने फार्म पर आम तोड़ रहा था। कुछ भी लिखते वक्त जिम्मेदारी से काम लें, बकवास मत फैलाइए। रायडू इससे पहले भी चर्चा में थे, उन्होंने एक बातचीत के दौरान चेन्नई और मुंबई के बीच के अंतर पर बात की थी। रायडू ने इस बातचीत में कहा था कि कैसे उनके हिसाब से CSK का माहौल बहुत शांत है, प्रोसेस पर फोकस करते हैं जबकि मुंबई वाले किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। हालांकि बाद में रायडू ने यह भी कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया। बता दें कि इस सीजन चेन्नई अभी तक 5वें नंबर पर है, 8 में से 4 मैच उन्होंने जीते हैं जबकि मुंबई का हाल बुरा है, वो 8 में से बस 3 मैच जीत पाए हैं और इस प्रदर्शन के चलते वो पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने, मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। शुरू हो गया है यूट्यूब पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा, फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।